शनिवार 18 मई को खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानगंज अगवानी घाट से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कुछ युवक युवतियां गंगा नदी में रील्स बनाने के दौरान डूब गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 5 लड़के और 1 लड़की गंगा नदी में रील्स बनाने गए थे। रील्स बनाने के दौरान 5 लड़के और लड़की गंगा नदी में डूब गए, जिसमें श्याम शाह और साक्षी कुमारी किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आई। वहीं दोनों घायलों को गोगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है, जबकि मुकेश चौधरी, राजन कुमार, आदित्य कुमार और श्याम कुमार अभी भी लापता हैं। लापता युवकों की तलाश में स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद परबत्ता CO और थानाध्यक्ष पूरे घटना की जांच में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी युवक युवतियां सुबह से ही गंगा नदी में वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे, जिसमें रील्स बनाने के दौरान यह हादसा हो गया। उसको पानी उन्हीं सब के मतलब एक लड़की भी लापता है न, लड़की एक लड़का जो है वो बच गए, बरामद हुआ उसको हॉस्पिटल में, पानी उन्हीं चल रहा है और ऑक्सीजन सब, वो उसका कंडीशन ठीक। मतलब कुल 4 लापता है, 4 लापता है, जिसमें की 2 भरसों और 2 कुल्हड़िया के, पंचायत कुल्हड़िया। उनके पिताजी का नाम बताना चाहेंगे क्या? चाहेंगे, बोलिए ना। भरसों से शुभम कुमार जी, जिसका पिताजी का नाम है मुकेश चौधरी, ठीक है, ये भरसों ग्राम जी। दूसरा है राजन कुमार जी, उसका पिताजी का नाम है अरविंद चौधरी, स्वर्गीय अरविंद चौधरी, ये दोनों भरसों का है। और तीसरा जो है निखिल कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय सुबोध साहब जी। और दूसरा है, उस चौथा है आदित्य कुमार, पिता का नाम राकेश कुमार, जो पंचायत पर्यवेक्षक भी है जी। ये 4 लड़का गंगा में डूबा हुआ है, अभी तक किसी प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं, और उसमें से बचा हुआ है श्याम कुमार और श्याम लड़की जो साक्षी लड़की, ये बची हुई है जो वहाँ पर, मतलब 12:30 लगभग बजा होगा, 4 बज गया। अभी तक में अंचलाधिकारी ने क्या कॉपरेट किया, कहीं कुछ सही? अधिकारी और थाना अध्यक्ष जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन इनको हम लोग बात बात कंपेल कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, भाई बताइए बताइए, तो अभी तक सरकारी जो आपदा प्रबंधन का कोई भी स्टाफ नहीं आए, सिवाय थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के। इनके द्वारा कोई गतिविधि तो नहीं की होगी ना? गतिविधि तो कुछ नहीं, क्या गतिविधि कर रहे हैं कि करना, अरे करना आ गए हैं, बिसौनी आ गए हैं, फिर भरसों आ गए हैं, हम कोई यहाँ पर जब तक नहीं मौजूद होगा, 4 घंटा हो गया, 12:30 बस, 12:30 से 4 तक के बीच में कोई गतिविधि नहीं, कोई गतिविधि नहीं। शनिवार को भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 10 पदों पर हो रहे मतदान में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर किया। इस दौरान पूरे न्यायालय परिसर में दिन भर गहमागहमी बनी रही। वहीं चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा आचार संहिता के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि इस चुनाव में 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसके भाग्य का फैसला 2790 अधिवक्ता के वोट से तय होगा। चुनाव पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि 19 मई रविवार को मतगणना होगी। वहीं दूसरी ओर जिला विधिक संघ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुनाव में धांधली और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता कपिल देव कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमरण अनशन को लेकर चुनाव अधिकारी ने बताया कि अजीत कुमार सोनू का लाइसेंस रद्द हो गया है, इसलिए उसके अनशन का कोई औचित्य नहीं है। 10 पद पे चुनाव है, उसमें से टोटल प्रत्याशी 114 है। बूथ है 8, मतदाता 2791। चुनाव यह भगवान की कृपा से, अल्लाह का करम है कि सब लोगों का सहयोग मिलते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो रहा, और अपना सब लोग जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी अपना मत कर कर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। परिणाम कब आए? रिजल्ट मतलब गिनती हम लोग कल से ही शुरू करेंगे। इस देखिए, 7 चूँकि 10 पद के लिए चुनाव है, उसके छटैया में काफ़ी वक्त लगेगा, सबको अलग अलग करना होगा। जब अलग अलग कर करके हम लोग ये कर लेंगे
तब हम लोगों का प्रोग्राम पहले था कि एग्जीक्यूटिव मेंबर का ही चुनाव करें, नीचे से शुरू करें, लेकिन कुछ लोगों की मांग थी कि सर नीचे से ना शुरू करके ऊपर से ही, मतलब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से ही चुनाव करें। तो हम लोग कहा चलिए हमको इससे भी करना था उससे भी करना, चलिए ऊपर वाले से ही कर देंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर सनालवा प्रखंड के सिलहन खजूरिया पंचायत बेलडीहा गांव के वार्ड नंबर 12 और 11 में पिछले कई महीने से पानी की भारी कमी है। इस समस्या से ग्रामीण का जीवन त्रस्त हो गया है। गांव में लगे अधिकांश चापाकल खराब पड़े हुए हैं। हर घर नल जल योजनाएं भी इस गांव में फिसड्डी साबित हो रही है। वहीं इन नलों से पानी भी नहीं आता। पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों को दूसरों के घरों में लगे निजी बोरिंग वाले व्यक्तियों से पानी मांगना पड़ता है। कई बार घंटों तक मिन्नत करने के बाद एक डब्बा पानी मिल पाता है। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से तुरंत इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। माने चप्पा कल खराब छे कि कत्ता दिनों से 10-15 दिनों से कैसा पिए ऐसा है जो मोटोला लानी का पिए दूसरा जगह से जानकारी दे कि खराब छे जानकारी छे कि पानी पियल न पानी हो कैसा पिए बाहर है कलीफ जाके अरे छिछुआ लगे चार बोली हुंदो फुंदर लगे और बिहानियत बाहर तो दिक्कत।